नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाढ़ ने बिहार के 26.94 लाख लोगों को किया प्रभावित। हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों के 32,714 खाली पदों पर कल से होंगे आवेदन। पटना से कोरोना अपडेट को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। राज्य में बारिश और उमस से दो दिनों तक रहेगी परेशानी। चिराग पासवान को केंद्र सरकार से मिला झटका। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब पुलिस में निकली हेड कांस्टेबल की भर्ती। बिहार के छात्र छात्रा जो पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक खास मौका आया है। पंजाब पुलिस ने हेड कांस्टेबल के 811 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए बिहार के योग्य अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 28 साल उम्र सीमा निर्धारित है। वही रिजर्व कैटेगरी को उम्र सीमा में थोड़ी छूट मिलेगी। सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2021 तक है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा इस पोस्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। बाढ़ ने बिहार के 26.94 लाख लोगों को किया प्रभावित। हर साल आने वाली बाढ़ ने इस बार भी बिहार के कई जिलों में कहर बरपा कर रखा है। आपदा प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि बीते देर शाम तक राज्य के 15 जिलों के 93 प्रखंडों में कुल 618 पंचायत के 26.94 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। इस दौरान 2,11,900 बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपए बाढ़ राहत की राशि दी गई है। वहीं बाकी के बचे लाभुकों को भी राशि का भुगतान किया जा रहा है। ये राशि सीधे बैंक में भेजे जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि गंगा और अन्य नदियों के जलस्तर पर जन संसाधन विभाग के इंजीनियरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। वहीं प्रभावित इलाकों में राहत केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। वहीं बाढ़ से हुई फसल क्षति का भी आकलन किया जा रहा है। हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों के 32,714 खाली पदों पर कल से होंगे आवेदन। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कुल 32,714 खाली पदों पर कल यानी कि 18 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। यह छठे चरण का नियोजन है। ये रिक्तियां 30 जून 2019 की है, जिसमें बहाली के लिए फिर से शेड्यूल किया गया है। इसके लिए शिक्षक 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि छठे चरण के इस नियोजन में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 13,325 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 19,389 पद खाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग को जिलावार रिक्तियों की संख्या मिल गई है। इन रिक्त पदों के हिसाब से ही विभिन्न जिलों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए आज विषयवार रिक्तियों की लिस्ट को भी निकाल दिया है और कल से आवेदन शुरू होंगे। पटना में गंगा और पुनपुन के जलस्तर में हुई कमी। गंगा किनारे बसे राजधानी पटना में फिलहाल बाढ़ का खतरा टला है। पटना के दीघा और गांधी घाट पर ताजा आंकड़े में पानी में कमी दर्ज की गई है। यही हाल सोन और पुनपुन नदी का भी है, जिससे पटना के शहरी इलाके में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा टला है। तो वहीं दूसरी तरफ हतीदह और भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर ने साल 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हतीदह में गंगा का स्तर 43.52 मीटर हो चुका है, जबकि सोमवार को भागलपुर में इसका स्तर 34.73 मीटर दर्ज किया गया। पटना का NMCH संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए है तैयार। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों की स्थिति को बयां कर गई थी, लेकिन संभावित तीसरी लहर में बिहार सरकार पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि NMCH प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रहा है। NMCH में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन हो चुके हैं, जिससे यहां ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा बच्चों के 134 बेडों को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है। साथ ही 25 बेडों पर वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर जो भी कमी है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में बारिश और उमस से दो दिनों तक रहेगी परेशानी। सूबे में इन दिनों उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है और आगे भी उमस बढ़ने की स्थिति रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले दो दिनों में दक्षिण बिहार में कई इलाकों में बारिश और उमस भरी गर्मी होने की संभावना है। वहीं राज्य के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद समेत दक्षिण मध्य बिहार में स्थित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन पश्चिमी भाग हिमालय की तराई से होकर गुजर रही है, जिसके कारण आज पटना समेत कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है।
स्कूल खुलने के बावजूद बाढ़ से रुक गई है कई जिलों में पढ़ाई। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद बीते दिन से क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल को खोल दिए गए हैं। बावजूद इसके बाढ़ ने कई जिलों में पठन पाठन को रोक दिया है, जिस कारण से स्कूल खुलने के बावजूद ही ना तो बच्चे पहुंच रहे हैं और ना ही शिक्षक अपने अटेंडेंस लगा पा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में स्कूल पानी से भर चुके हैं। बीते दिन बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 15% ही बच्चे पहुंच पाए, जबकि प्राइवेट स्कूलों की उपस्थिति औसतन सही रही। जानकारी के मुताबिक पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी समेत तमाम बाढ़ प्रभावित जिलों में ज्यादातर स्कूल बंद रहे। हाईकोर्ट ने 7 जिलों को हाईवे की जमीन सौंपने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार की भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे निर्माण और औरंगाबाद से दरभंगा तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण होना है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और जमीन की कमी का मामला अटका हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने भू अर्जन के लिए बिहार सरकार को 650 करोड़ रुपए दे दिए हैं। बाकी के 650 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक मिल जाने हैं, जिसके बाद टेंडर का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक की मोहलत राज्य सरकार को दी है और गया, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा और पटना के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वे भूमि अधिग्रहण के मामलों का निपटारा अगले 3 महीनों में करके NHAI को जमीन उपलब्ध करा दे। शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पाने के लिए बिहार के शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। बिहार के स्कूलों में काम कर रहे करीब 2.5 लाख शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पाने के लिए जल्द ही एक परीक्षा में शामिल होना होगा, जिसमें 75% अंक लाना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की स्कीम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि निष्ठा के तहत बिहार के प्रशिक्षित 2,37,000 शिक्षकों के बीच क्विज परीक्षा होगी। इसमें 75% अंक लाने के बाद ही प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा परियोजना परिषद ने बीते दिन सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी या फिर निजी स्कूल के हर शिक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, इसलिए यह परीक्षा सभी शिक्षकों को देना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे 7 दिवसीय बिहार दौरे के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री व बक्सर से बीजेपी सांसद बीते दिन अपने 7 दिवसीय बिहार यात्रा के लिए पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन 7 दिनों में वे बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नौगछिया, पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में जाकर वहां की स्थिति का आकलन करेंगे। साथ ही राज्य सरकार को जो भी मदद चाहिए होगी उसे लेकर वह केंद्र के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इस दौरान जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, वहीं इस मुद्दे पर अश्विनी चौबे कुछ भी बोलने से बचते दिखे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वे पहली बार बीते दिन पटना पहुंचे थे। पटना से कोरोना अपडेट को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने के बीच सबसे बड़ी खुशखबरी राजधानी पटना से आई है, जहां बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी ताजा मामले नहीं मिले हैं। यह अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि भीड़भाड़ वाले पटना शहर में एक भी संक्रमित का ना मिलना राहत देने जैसा है। दूसरी तरफ ताजा आंकड़े में दूसरी लहर में अब तक के सबसे कम मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 14 नए केस मिले हैं, जबकि इस दौरान 42 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब एक्टिव केस 212 बच चुके हैं। इस दौरान पटना समेत कुल 27 जिलों में एक भी कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। चिराग पासवान को केंद्र सरकार से मिला झटका। लोजपा सांसद चिराग पासवान भले ही खुद को पीएम मोदी के हनुमान कह ले, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से ही उन्हें झटके पर झटके मिल रहे हैं। अब की बार चिराग से उनका दिल्ली का 12 जनपद स्थित बंगला छीनने जा रहा है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल गुजारे हैं। यह बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव रेल के अलावे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार मंत्रालय का भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इससे पहले साल 2020 तक यह बंगला स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित था। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को 14 जुलाई को ही खाली करने का नोटिस मिल गया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने एक आवेदन लिखकर 8 अक्टूबर के बाद बंगला को खाली करने की बात कही है, जिसे केंद्र सरकार ने ना अभी तक स्वीकारा है और ना ही इसे रिजेक्ट किया है। तेजस्वी यादव मौर्य लोक में दिखे पिता लालू यादव के अंदाज में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में अपने पिता लालू यादव की सत्ता को संभालने का भविष्य झलकता है और तेजस्वी यादव खुद भी कई बार अपने पिता के अंदाज में नजर आते हैं। ऐसा ही वाकया बीते दिन पटना के मौर्य लोक में दिखा, जहां अचानक से राजद नेता तेजस्वी यादव पान खाने के लिए पहुंच गए। इस दौरान वहां उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं के साथ डिनर किया, जिसके बाद जहां उनके पिता लालू यादव अक्सर जाया करते थे उसी दुकान से वे पान खाते नजर आए। इस दौरान कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी लिया।
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की जीत के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने किया बड़ा दावा। बीती रात को लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम ने जीत का रुख अपनी तरफ कर लिया और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। आखिरी दिन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने रन बनाकर टीम को 298 के स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद इंग्लैंड को उसी की जमीन पर टीम इंडिया ने हार का मुंह दिखा दिया। इस बीच अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा कि वह लॉर्ड्स टेस्ट में मैच में मिली हार के बाद इंग्लैंड की टीम के पास भारत को रोकने की संभावना नहीं देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान से 120 भारतीय अधिकारियों को किया गया एयरलिफ्ट। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से ही वहां के हालात बिगड़े हुए हैं। इन सब के बीच भारत अपने लोगों को काबुल से वापस अपने देश लाने की प्रक्रिया में लगा है। इसे लेकर आज भारतीय वायुसेना के विमान C-17 ने सुबह ही 120 अधिकारियों को लेकर काबुल से भारत के लिए उड़ान भरी है। इस विमान से अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन भी वापस भारत लाए गए हैं। आपको बताते चले कि करीब 20 सालों से युद्ध चलने के बाद अमेरिका के सभी सैनिकों ने घुटने टेक कर वापसी कर ली है और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो गया है। इस क्रम में कई निवासी भारत की ओर भी रुख कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत का श्रेय किस भारतीय खिलाड़ी को जाता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।